हम लोगों ने रमण महर्षि जी से पूछा कि ध्यान किसका करना चाहिए, वो तो बात करते थे, ये नहीं समझना कि किसका बैठे ही रहते थे, बात करते थे, किसी किसी को ज्यादा प्रश्न थे तो पुस्तक की एक आलमारी रखी रहती थी वहां घूमने वाली है सामने, वो इशारा कर देते तो कोई उसको घुमाता, तो उसमें से किसी किताब की हो इशारा कर देते कि ये किताब तुम पढ़ो, किसी किसी को ऐसे बता देते कि तुम ये किताब पढ़ो, और वो हंसते भी थे है ना, खेलते भी थे, रसोई घर में जाके साग बनना करते थे बैठते, बोला आप लोगों ने बुढ़ाते में देखा है, बहुत बुढ़ाते में तो आप दूस रही है फिर तो कब कहता उनका, लेकिन बैठ के साग बनिया करते थे, भोजन की संगत जब बैठती थी हम उनके साथ बैठ के भोजन करते, तो भात और दाल वो बता देते तो इनको और दे दो, तो उनको हम लोगों ने पूछा ध्यान क्या करें महाराज, तो बोले कि सीखने वाला कौन है, बोले सीखने वाला जिज्ञासु है, जिज्ञासु नहीं जिसको जानने की इच्छा है, किसको जानने की इच्छा है, मुझे जानने की इच्छा है, अरे तुम कौन हो, तो ये जानकर है, ये जानकर है कि तुम कौन हो,